दोस्तों स्वागत करते हैं। कनेडा स्टडी वीजे ते लगी रोक कितना कितने खत्म होती नजर आ रही है। दो तो तीन दिन पोर्टल बंद रहने तो बाद कल दिया जदों अपडेट्स आ रही ने, कल यानी 15 सितंबर असी टोटल 9 वीज़ाज रिसीव किए ने। अज यानी 16 सितंबर 5 होर पासपोर्ट रिक्वेस्ट असी रिसीव कीतिया ने। कल वाली डिटेल सारी असी दे चुके हैं। अज जी 3 स्टूडेंट वीज़ा आए हैं, 2 स्पाउज ओपन वर्क परमिट की जी पासपोर्ट रिक्वेस्ट जी एप्लीकेंट ने रिसीव की है। आने वाले समय के होप की जा सकती है भी जी एक रोक स्टूडेंट वीज़ा के उपर लगी सी, रोक नहीं कह सकते, कितना कितने रिफ्यूजल रेट जो हाई सगा, काफ़ी चंगी एप्लीकेशनों रिफ्यूजल आ रही थी वो खत्म होती नज़र आ रही है। आने वाले समय के होर भी चंगे रिजल्ट आप उड़ीक कर सकते हैं भी होर भी चंगे रिजल्ट जोड़े आपको मिलने। अज जैप्लीकेशन रिसीव पासपोर्ट रिक्वेस्ट जी रिसीव हुई है, सब तो पहला गल करते हैं रमनदीप कौर की। रमनदीप कौर जो कि पिपली विलेज जोगा मानसा के रहने वाले ने, इन्हों की ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट सब तो पहला तुसी देख सकते हो। रमनदीप कौर का यह वीज़ा एक रिफ्यूजल तो बाद रिसीव होया। इन्ह की एजुकेशन बैकग्राउंड की गल करिए, 2019 के ट्वेल्थ कमर्स स्ट्रीम के नाल की थी, उस तो बाद नॉर्दर्न कॉलेज के बिजनेस जर्नल के जा रहे सन। 6.5 नॉट लैस दैन 6 इन्हों का आयल्स का स्कोर है। 24 जून में इन्हों की एप्लीकेशन सबमिट हुई थी। पहला इन्हों की प्रीवियस एक रिफ्यूजल से, रिफ्यूजल तो बाद असी एप्लीकेशन दोबारा जो बच्चे ने साडे कोल विजिट किया सबमिट की, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर फाइनैशियल के नाल एप्लीकेशन सबमिट की, ता जेड़ी इन्हों की प्रीवियस रिफ्यूजल रमनदीप की आई सी उस तो बाद इन्हों का वीज़ा असी रिसीव किया। कितना कितने जेडे बच्चों के वीज़े रिफ्यूज़ होंगे ने उन्होंने भी एक बार, क्योंकि स्टूडेंट ये चीज़ बहुत हिट करती है, बट घबराने की जरूरत नहीं होंगी, हर एक चीज़ का हल हों, हर एक चीज़ का सोल्यूशन हों। तुसीं अगर मेहनत की है तो परसेंटेज चंकी आयल्स का स्कोर चंगा, चंगे कॉलेज एडमिशन लैती है, चंगे कोर्स एडमिशन लैती है, तो तुहानू वीज़ा मिलके ही रहेगा। कई बार कोई ऑकवर्ड लग जाती है तो उस चीज़ तो घबराना नहीं चाहिए। चंगियां एप्लीकेशनां नू कैनेडा कदे भी मना नहीं करता, चंगे स्टूडेंटां दी उन्होंने हमेशा तो ही जरूरत है। सो उस तो बाद दी गल करिए अर्शप्रीत कौर ने। अर्शप्रीत कौर जो कि BPO पथराला डिस्ट्रिक्ट बठिंडा के रहने वाले ने। अर्शप्रीत कौर की ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट तुसीं देख सकते हो। अर्शप्रीत कौर की प्रीवियस एजुकेशन 2021 के ट्वेल्थ नॉन मैडिकल स्ट्रीम के की है, नॉर्दर्न कॉलेज के अगेन ने बच्चा जा रहा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, क्योंकि बच्चे का जो PCM फिजिक्स कमिस्ट्री मैथ का स्कोर अच्छा सी तां करके कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन के स्टूडेंट जा सकता। 6.5 नॉट लैस दैन 6 इन्हों का आयल्स का स्कोर सी। 18 जून 2022 इन्हों की एप्लीकेशन सबमिट हुई थी, हुण जाके इन्हों की एप्लीकेशन अप्रूव हुई है। कितना कितने मैं मुबारकबाद देना चाहना इन्हों की सारी फैमिली को। नैक्सट जी एप्लीकेशन है वह रमनदीप सिंह की है। रमनदीप सिंह जो कि 5 ग्राई है, कोटकपूरा फरीदकोट के रहने वाले ने। उन्होंने पासपोर्ट रिक्वेस्ट तुम देख सकते हो। रमनदीप सिंह की एप्लीकेशन की गल करिए, 2020 के आर्ट्स स्ट्रीम के नाल इन्होंने ट्वेल्थ की है, लॉलिस्ट कॉलेज इन्हों का सी क्योंकि आर्ट्स की है। कलनरी मैनेजमेंट के बच्चे की एलिजिबिलिटी बनती थी, इंग्लिश रिक्वायर्ड होंगी है कोर्स के एडमिशन लैन के लिए, एंड जनरल इंग्लिश बच्चे ने की थी। उस तो बाद 6.5 नॉट लैस दैन 6 इन्हों का आयल्स का स्कोर सी। 9 जुलाई में एप्लीकेशन सबमिट हुई थी, कितने कितने जाके अज स्टूडेंट जोड़ा उसका स्टडी वीज़ा अप्रूव होया। सो एक दोबारा कैनेडा की जी गड्डी है वो ली ते चढ़ती नज़र आती है, काफ़ी चंगे डिसीजन आ रहे हैं। प्रीवियस जिहड़ियां एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई थी दोबारा एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट हुई हैं, उन्होंने भी डिसीजन चंगे आ रहे हैं, तो आने वाले समय के होर भी चंगे रिजल्ट जोड़े वह आ सकते हैं। उस तो बाद जी एप्लीकेशन आ वो पविंदरजीत सिंह संधु की है। पविंदरजीत सिंह संधु जो कि कोटकपूरा के रहने वाले ने, कोटकपूरा फरीदकोट के रहने वाले ने। इन्हों की ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट तुम देख सकते हो। इन्हों की जी एप्लीकेशन सी वह 19 अगस्त 2022 में सबमिट हुई थी, उस तो बाद बायोमैट्रिक 24 अगस्त 2022 में सबमिट हुई थी, मेडिकल 25 अगस्त में पास हो गया थी, उस तो बाद 16 सितंबर में ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है। स्पाउस वीजे का जिहड़ा प्रोसैसिंग टाइम आ बहुत घट रह गया, बहुत जल्दी डिसीजन आ रहे हैं। जिवें पविंदरजीत सिंह संधु की आप गल करिए,
अप्रोक्सीमेट 1 महीने तो भी घट समय के जड़ा इन्हों का ओपन वर्क परमिट की जी अपरूवल आँदी है टोटल 25 डेज के जरा एप्लीकेंट वीज़ा रिसीव हूँ। तुहाडा भी अगर स्पाउस कैनेडा स्टडी कर रहा सितंबर इनटेक के गए ने तो उन्हें अपनी जिस दिन तो तुहाडे स्पाउस क्लासा स्टार्ट हो गई क्योंकि 16 सितंबर हो गया अप्रोक्सीमेटली सारे स्टूडेंट द्लासि स्टार्ट हो गई तो उन्होंने स्पाउस में देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्पाउस ओपन वर्क परमिट का प्रोसैसिंग बहुत थोड़े टाइम का 20-25 डेज के जोड़ा उन्होंने वीज़ा मिल रहा। सो टाइम नाल अपनी एप्लीकेशन सबमिट करो ता जो टाइम सिर तू उसका डिसीजन जोड़ा वो मिल सके। उस तो बाद की जी एप्लीकेशन है वह नवप्रीत सिंह की है। नवप्रीत सिंह जो कि विलेज जोगानंद डिस्ट्रिक्ट बठिंडा के रहने वाले ने इन्हों की ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट तुम देख सकते हो। नवप्रीत सिंह की एप्लीकेशन जी 18 अगस्त 2022 में सबमिट हुई सी, बायोमैट्रिक 24 अगस्त 2022 में हुए सी, मेडिकल 25 अगस्त 2022 में हुआ सी। उस तो बाद 16 सितंबर में इन्हों ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है। कितना कित महीने तो भी घट टाइम लग्या टोटल 25 to 27 डेज के इन्हों ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट स्पाउस की आ रही है। सो स्पाउस का डिसीजन चंगा है, टाइम प्रोसैसिंग टाइम बहुत घट है। सो कितना कित स्टूडेंट के भी जोड़े डिसीजन हम चंगे आने लग गए हैं। जोड़े भी स्टूडेंट किसी ना किसी वेट कर रहे थे जिसे अफवाहों के आकर बहुत सारे स्टूडेंट कैनेडा तो जोड़ा अपना मन हटा के किसी होर कंट्री आ रहे थे। किसी भी कंट्री के स्टडी वीज़ा अप्लाई करना स्टूडेंट की इंडिपेंडेंट चॉइस आ, कोई भी परसन उस किसी फोर्स नहीं कर सकता। बीइंग ए कंसल्टेंट साड़ी क्यू ड्यूटी बनती है भी एक प्रॉपर इनफॉर्मेशन थोड़े तक पहुँचा सकी। सो अगर तुम कैनेडा जाने का तुहाडा मन सी, तुहाडे जिहड़े फ्यूचर के गोल हैं भी तुम एजुकेशन तो बाद उस कंट्री के परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी तुम सोच रहे हो, उत्थे पक्के तौर पर रहने बारे भी सोच रहे हो तो कैनेडा तुहाडे लिए एक बेस्ट चॉइस है। होर किसी भी कंट्री अगर तुम जाओगे चाहे वह यूके है चाहे ऑस्ट्रेलिया, उत्थे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए तुम्हें एक प्रॉपर जंग लड़नी पैंती है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह फिर भी ठीक है, कोई ना कोई रूलर एरिया वगैरह लैके आप लै सकते हैं, बट यूके वर्गे कंट्री के परमानेंट रेजिडेंसी बहुत मुश्किल है। सो अगर तुहाडा मन है भी तुसी पढ़ के वापस आना बेशक तुसी इन्हां कंट्रीज़ दे विच जा सकते हो, बट अगर स्टूडेंट का मन है उन्हां दा फाइनैंशियली बैकग्राउंड इन्ना चंगा नहीं है पढ़ के वापस आना तो कितना कितने कनेडा ही उन्हां दे लई एक बेस्ट ऑप्शन है। धन्यवाद।